गाइस वेलकम टू सैम गेमिंग कस्टम एच 4K। हमारा प्लेन जा रहा है आज मिल्टा बाबर की ओर से शूटिंग रेंज की जानेब। 25 टीम्स 95 प्लेयर्स। जी हाँ लेट्स सी ड्रॉप्स और ड्रॉप काफ़ी रहेगा। नोवो पोरियानो, मिल्टा पावर, मिल्टा एंड रोजोक, इस नया पोरियानो काफ़ी टीम्स प्रीफर करेंगी। जॉर्जो एंड जॉर्जो सिटी तो हमेशा काफ़ी टीम्स जाती ही हैं। पहली टीम ने ड्रॉप ले लिया है टीम नंबर 18 जो कि जा रही है नोवो कोरियन की ओर। टीम नंबर 18 सोलो टीम एटन नेलार की टीम जाती है नोवो की ओर। टीम फोनेक्स प्रिजन आई थिंक लिपोगा जाएगी टीम फोनेक्स। टीम एल4जी भी जा रही है मिल्टा। टीम एल4जी के साथ टीम वैनम के साथ आ रहे हैं। जी वैनम के साथ सैजी आई थिंक उनका व्हीकल पकड़ कर प्लान है उनका जाने का मिलिट्री बेस। यहाँ टीम वैनम के आसपास कोई प्लेयर नहीं है। टीम फोनेक्स आई है हमारी प्रिजन। टीम फोनेक्स सोलो टीम आई है प्रिजन। एटम फ्यूरी काफ़ी आप प्रिजन के कंपाउंड लूट करेंगे। ये टीम भांगी हमेशा की तरह अपना मैन ड्रॉप या स्नाया पुलियाना लेती हुई टीम भांगी के साथ काफ़ी टीम्स आई हैं इधर। टीम नंबर 5 हमारे THM, टीम R2D, टीम किंग, टीम एक्वा, टीम डेविल्स, यानी कि 6 टीम्स। काफ़ी फाइट्स देखने को मिलेंगे हमें इस नया पोलियाना। 6 टीम्स आई हैं उधर। टीम एरर की टीम छोटे छोटे कंपाउंड लूटेगी फार्म की और उधर एरर की टीम के पास एक टीम और है। टीम MT सोलो गई है पोचिंग के अंदर। यहाँ टीम नंबर 9 के प्लेयर्स किंग के प्लेयर्स को गन मिल चुकी है लेकिन आसपास शायद कोई प्लेयर नहीं है उधर। या जोनी सिंस ने टीम नंबर 5 THM के प्लेयर्स को स्पोर्ट किया है शॉट गन से। उन पर शॉट देने की कोशिश करते हुए MT टाइप के पास भी शॉट गन ही है। ट्रैकलो के OP के पास एक गन अच्छी गन ज़रूर है। R2D के प्लेयर्स के पास भी शॉट गन। आर्टिंग से भी शॉट गन से फॉल बैक करते हुए टीम R2D के प्लेयर। यहाँ एक्वो के भी टीम मेट्स अभी लूट कर रहे हैं उनके पास भी कोई निकास गन नहीं है। R2D के ज्वाला का पड़ता हुआ डेमिनिक वेस को क्या RTD ज्वाला है फिनिश अप करने के लिए आएंगे लेकिन R2D ज्वाला को पीछे से पड़ता हुआ पिस्टल का जी हाँ पिस्टल का डैमेज लेते हुए RTD ज्वाला आई डोंट नो व्हाई ओपन में खड़े हुए थे छुट्टी भी के लिए। इसे टीम नंबर 10 यानी एक्वा के प्लेयर आते हुए अपने प्लेयर को रिवाइव भी दे देंगे इसलिए क्योंकि टीम R2D का सेकेंड प्लेयर RDX हैप्पी पीछे की तरफ फॉल बैक कर चुका है वो। तो यहाँ से टीम R2D के प्लेयर्स फिनिश अप होते हुए डैमन VSP इजली अब रिवाइव एंड हील अप हो जाएगा। टीम किंग अभी फिलहाल हील अप हो रही है। टीम IT का थोर अलग खेल रहे हैं डेविल्स टिफ्यू इन्फेमसिल्ड एंड IT का थोर टीम नंबर 15 में खेल रहा है। टीम डेविल्स जो यहाँ पर आई है थोड़ा क्लोज इन करती हुई काफ़ी टीम्स मौजूद हैं इधर काफ़ी फिर दिखने में। सोस अपने मेन ड्रॉप्स पर गई है। टीम नंबर 22 एंड टीम नंबर 11 दो टीम्स गई हैं हमारी सबरनी की ओर। टीम IM ड्रैक को स्टाइल पर के छोटे छोटे कंपाउंड लुटती हुई एक अच्छी सोच उनकी। टीम नंबर 16 मेंशन गई है। टीम नंबर 14 गई है प्रीमोस। टीम वैनम हुई छोटे कंपाउंड्स में ही है और टीम एटम दिलदार जो नोवो पोरियन जाने वाली थी वो नोवो ने कर बाइक पिक कर कार पिक कर वो गई है मिलिट्री बेस। टीम वैनम वर्सेस एरर हो सकता है इधर। वैनम के प्लेयर वैनम के हंटर सोलो काफ़ी दूर लूट कर रहे हैं सारे प्लेयर छोटे से कंपाउंड लूट कर रहे हैं तो एरर के एरियर और लिट ओपन के काफ़ी करीब है वैनम के हंटर के। वैनम के अंडर उन्हीं कंपाउंड्स को लूट खेलने के लिए आ रहे हैं जिन कंपाउंड्स को लिए वो डार्क के होला डार्क के ईविल को नॉकआउट करते हुए फोनेक्स के होला। क्या टीम डार्क पे इधर पुश देखने को मिलेगा फोनेक्स का क्योंकि फोनेक्स का एक प्लेयर नॉकआउट कर दिया है उन्होंने। और ये एटम फ्यूरी इधर दूर है टीम अपनी फोनेक्स से। एटम आई डोंट नो माफिया लीडर अलग क्यों उतरे थे अपनी टीम से। 2-2 प्लेयर्स करके खेल रहे हैं एटम फ्यूरी एंड माफिया लीडर। इधर डार्क फोनेक्स के होला ने डार्क के प्लेयर नॉकआउट किया था बट यहाँ पर फिनिश ऑफ भी कर दिया उन्होंने या 3 मैन उसके साथ हो जाए बट TR आदित्य ने रोन वेस्लो को नॉकआउट किया। रोजोक में फाइट्स होती हुई हमारी टीम नंबर टीम डार्क ने रोन वेस्ले भी नॉकआउट हो चुका है टीम डार्क का। विनोद गरिया बच्चा हुआ इधर विनोद गरिया क्लोजिंग करता हुआ अंदर पुश करता हुआ एक प्लेयर नॉकआउट करता हुआ विनोद गरिया फिनिश ऑफ करने की कोशिश गन भी कोशिश टीम डार्क फिनिश ऑफ होती हुई अपने पीछे के प्लेयर्स को नहीं देखा एक टीम फिनिश ऑफ होती हुई। टीम फोनेक्स के पास एक अच्छा मौका क्लोज इन एंड थर्ड पार्टी करने का क्योंकि टीम नंबर 6 के 3 मैन स्क्वाड ही बचा हुआ है। वैनम के हंटर एक प्लेयर पिक ऑफ करते हुए उधर से वैनम के हंटर ने एरन लिटोपी को नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिया है।
यहाँ टीम वैनम के हंटर एक प्लेयर को नोकैन फिनिश ऑफ करते हुए, उनके पास होंगे टीम एरर के एरियल। M24 साहिल जो कार से गिर कर नोक हुए हैं, यहाँ किंग हमजा का नेड एक्वा के टाइसन को नोक करता हुआ M24 साहिल को फिनिश ऑफ करता हुआ। RDX भी एरर के एरियल पीछे टीपी प्ले खड़ी हैं, उनके टीम मेट्स उनसे दूर, काफ़ी दूर उनके टीम मेट्स उनसे। क्या है वैनम के हंटर से ये फाइट जीत पाएंगी एरर के एरियल, जो कि सेकंड प्लेयर वैनम के हंटर फॉल बैक कर चुका है वहाँ से, एक अच्छी सोच एरर सॉरी वैनम के प्लेयर्स की टीम एरर से वहाँ से फॉल बैक कर चुका है वो। टीम एम्प्टी ने मंगाया फ्लेयर ड्रॉप पोचिंग की के अंदर, किंग बनी बॉस के बाइपर को नॉकआउट करता हुआ। काफ़ी टीम्स ऑलरेडी गई हुई हैं हमारी पोचिंग, यसना पोलियाना किंग्स की टीम से फाइट हो रही थी, इधर एक टीम फिनिश ऑफ हो चुकी है आई थिंक। आई एम फ्लैश होला को नॉकआउट करता हुआ, जोन वी को भी नॉकआउट करता हुआ। टीम फोन इस वक्त काफ़ी खतरे में, टू प्लेयर उनके जो दूर रहे हैं उन्हें ज्वाइन जल्दी करेंगे। जी हाँ ज्वाइन तो कराया, जोन वी को फिनिश ऑफ कर दिया गया। माफिया लीडर एटम फ्यूरी व्हीकल से अभी क्लोज इन करते हुए, होला जरूर अभी बच्चे हुए नॉकआउट पड़े हुए हैं, एंड होला को भी फिनिश ऑफ करते हुए जैसे 2v3 फाइट। एरेक्स ड्रैको को नॉकआउट करते हुए एटम की फ्यूरी, फोन एक्स की फ्यूरी, यानी कि 2v2 5 है। माफिया लीडर एटम फ्यूरी वर्सेज आई एम फ्लैश एंड आदित्य, वोल्डर ने कोशिश आदित्य की, माफी लीडर के उन्हें सपोर्ट कर पाएंगे। माफी लीडर का ध्यान दूर की ओर है, आदित्य के ऊपर किसी का ध्यान नहीं, आदित्य एक अच्छी पोजीशन है, प्रोन में बैठे हुए हैं। सपोर्ट किया एडम फ्यूरी को, स्प्रे देने की कोशिश एडम फ्यूरी ने, अभी तक तो उन्हें सपोर्ट नहीं किया। जी हाँ माफिया लीडर ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, सॉरी माफिया लीडर की जरूरत है, नेड आया था एम फ्लैश का एक नेड, एडम फ्यूरी को नॉकआउट करता हुआ। 1v2 सिचुएशन अपोनेंट में माफिया लीडर जो आदित्य एक मुँह पर बैठे हुए हैं, उनके आदित्य एक कैम यूज़ करते हुए 1v2 सिचुएशन बाय टीम फोनिक्स के माफिया लीडर। जी हाँ आदित्य फिनिश ऑफ करते हुए एटम फ्यूरी को, आदित्य क्या पुश ऑफ करेंगे इधर माफिया लीडर के ऊपर, आ चुके हैं पुश ऑफ करने वो, माफिया लीडर फिनिश ऑफ होते हुए, आदित्य इधर फिनिश ऑफ करते हुए 7 किल्स होते हुए, एक अच्छी किल्स ट्रिनिटी की प्लेयर्स हाइब्रिड के प्लेयर को नॉकआउट करते हुए। टीम ट्रिनिटी ने ड्रॉप लिया है आई थिंक जॉर्जो की सिटीज़ में, जी नहीं सवर नहीं गई है टीम ट्रिनिटी। टीम नंबर टीम SD से उनकी फाइट है, एरर के साथ सतीश ओपी भी उस टीम में है, 2-man स्क्वाड बचा हुआ है। टीम ट्रिनिटी क्लोजिंग करती है, इसलिए फिनिश ऑफ कर चुकी है, एरर के सतीश ओपी को भी नॉकआउट करते हुए। ट्रिनिटी के प्लेयर भी जीते हैं, बचे हुए हैं SD वेदांत, ट्रिनिटी प्लेयर्स को मिलते हुए दोनों किल। जी हाँ SD वेदांत जो सोलो बचे हुए हैं अपनी टीम के लिए, वो अपने टीम मेट से काफ़ी दूर हैं, तो यहाँ इतनी जल्दी फाइट नहीं देखने को मिलेगी, शायद यहाँ से फॉल बैक भी कर जाएँ अगर फाइट मिलेंगे तो। वो UMP 45 उनके पास नेट शायद उनका ख़राब है। जॉर्जो पुल आज कोई टीम नहीं गई, आज 1HP खेलने नहीं आई तो कोई जॉर्जो पुल टीम नहीं गई। टीम सोच जो कि लूट करती हुई जॉर्जो की सिटी, आज उस सिटी भी कोई टीम नहीं आई है। या टीम एरर के प्लेयर जो सोलो बची हुई थी अपनी टीम मेट से दूर, वो अपनी टीम आई थिंक ज्वाइन कर चुकी है एरर की एरियल। जी हाँ तीनों प्लेयर एक साथ खेलती हुई टीम एरर के, एरर के लिटो पे जरूर फिनिश ऑफ हुए हैं। टीम नंबर 23 काफ़ी क्लोज आ चुकी है, टीम L4G टीम वैनम से फाइट हो सकती है। टीम L4G की जोन में रोटेशन डाल रही है L4G, मिल्टा लूट कर कर आई है, मार्बल ने ये सर के स्टेन को भी कॉप कर लिया है। टीम SR जो की है हमारी जोर्जो की सिटी में, टीम वैनम से फाइट लेने के लिए रुकी है टीम में, इधर टीम नंबर 23 L4G 16 पॉइंट ने वैनम के 7 को नॉकआउट कर दिया है। वैनम के फैजान ने एल4जी जैरी को नॉक किया, बट वैनम के जैरी ने, लेकिन वैनम L4जी के सौरभ ने नॉकआउट कर दिया फैजान को 2v3 फाइट। फिलहाल जोकर को काफ़ी लो HP छोड़ा है वैनम के, हंटर ने पुश ऑफ होता हुआ उनके ऊपर IT के तौर को नॉकआउट करते हुए तेजा। L4जी का एक प्लेयर जैरी जरूर नॉकआउट पड़ा हुआ है, उसको बात दिया जा रहा है। वैनम के हंटर ने एक अच्छा जंप, OP जंप बोलेंगे इसको हम, एक प्लेयर और नॉकआउट किया टीम L4जी का वैनम के हंटर ने, या फिनिश ऑफ भी कर दिया। पीछे से एक अच्छा कवर मिलता हुआ वैनम के हंटर को, वैनम के सैजी का, क्या वैनम के साथ को रिवाइव दे रहे हैं फिलहाल, क्या वैनम के OT जोकर आए हैं उन्हें सब करने के लिए, ये फिनिश ऑफ करने चाहते थे लेकिन फिनिश ऑफ तो कर बैठे हैं OT जोकर वैनम के साथ को, बट 3 मैन के साथ लाइव बचेगा। L4G के 16 बच्चे हुए हैं, L4G के 16 OP बचे हुए हैं। वैनम हंटर के ऊपर पूरा पुश ऑफ जाता हुआ L4G सौरभ पर, सब नॉकआउट पड़े हुए हैं, सौरभ अकेले बचे हुए 1v3 सिचुएशन में, पहले ही हील अप होने की कोशिश, एक अच्छी कोशिश हो गई है। अभी तक फिनिश नहीं करा इन्होंने सब में, किसी ने पता नहीं क्या प्लान है। सौरभ ने नॉकआउट किया, फैजान को नॉकआउट कर दिया,
मिनट अकेले बचे हुए हैं, बट एल्फर जी 16 एचपी था, तो यहाँ क्लच रह गया उसका। खेल लेते हैं। वैनम की सहजी फिनिश ऑफ करते हुए एल्फर जी के सौरभ को 3 मैन स्क्वाड के साथ बचेगी। वैनम 5 किल्स निकाले, ड्रैगन ऑफ पर इस बारी को नॉकआउट करते हुए टीम भांगी की फाइट होती हुई इधर से टीम टीएचएम से। अरमान ने नॉर्थ मेंबर को भी नॉकआउट कर दिया, तो यहाँ से स्टॉप हो गए टीम को सारा टीएचएम से। इधर अरमान जरूर नॉकआउट हुई है, अरमान इधर फिनिश ऑफ करते हुए अभी एक और प्लेयर एम बी टैप्स भी नॉकआउट हो चुके हैं। 80 एच पी चुके हैं इधर फिनिश ऑफ होते हुए टीम अलमान, टीम टी एच एम के अलमान नो कैन फिनिश जरूर हुए हैं इधर से। बट ड्रैकलो ओपी का एक ओपी गेम प्ले, 3 प्लेयर उनके नॉकआउट पड़े हुए थे, ड्रैकलो ओपी ने लास्ट प्लेयर फिनिश ऑफ कर दिया इधर से। 4 किल्स के साथ आगे बढ़ेगी ये टीम। अभी भी एस नाइन में काफ़ी टीम्स मौजूद, 6 टीम ड्रॉप ली थी, 3 टीम में मौजूद है। वैनम के साथ एरर की कैटनीस को नॉकआउट करते हुए, एरर की कैटनीस वैनम के प्लेयर्स होता हुआ थर्ड पार्टी में, एरर की फाइव सोलो बची हुई है। अब टीम वैनम उनके सामने थर्ड पार्टी करने की कोशिश थी टीम एरर की, बट खुद ही 2 प्लेयर्स नोक कर बैठे हैं। वैनम के प्लेयर्स एक अच्छी फाइट लेते हुए इधर से, जहाँ टीम एरर पर पुश किया था, जी नहीं टीम एरर ने ही थर्ड पार्टी की थी, टीम वैनम पे अभी अभी फाइट लेके निपटी थी। वैनम क्लोजिंग करते हुए वैनम सैजी जरूर नॉकआउट हुए थे, बट वो रिवाइव हो चुके हैं, शायद हीलर भी जल्दी हो जाएंगे। एरर की फबिया अकेली बची हुई है, नेट कुक करने की कोशिश, क्या वैनम की फिजान को नॉकआउट कर पाएंगी वो, जी नहीं वो नॉकआउट नहीं कर पाए। 1v3 वैनम के सैजी आए हैं ओपन में, एरर की फबिया पूरा उन्हें नॉकआउट करती हुई यूजी से, लेकिन इधर से वैनम के अंडर जंप लेकर फिनिश ऑफ करते हुए टीम एरर को, इधर से टीम एरर को फिनिश ऑफ करते हुए 16 टीम्स 54 प्लेयर्स बचे हुए हैं। टीम वैनम या सो भी गेमप्ले दिखाती हुई 3 मैन स्क्वाड के साथ 8 किल्स के साथ आगे सरवाइव करेगी ये टीम। पूरा जोन शिफ्ट हो चुका है, काफ़ी टीम्स आउट ऑफ द जोन हैं, मतलब 3 या 4 टीम्स आउट ऑफ द इन द जोन हैं, बाकी सारी टीम्स आउट ऑफ द जोन है हमारी 10 से 12 टीम्स। टीम आई एम ड्रैको काफ़ी क्लोजिंग कर चुकी है उधर टीम नंबर, जी हाँ वो जोन में रोटेशन डाली, बॉल भी आई थिंक जी नहीं वो भी जोन में रोटेशन डाली। टीम नंबर 9 की फाइट हो सकती है, टीम 3 टीम्स हैं इधर, टीम टीएचएम, टीम एसटीएक्स, टीम किंग, प्ले 47 एएसआर के स्काई को नॉकआउट करता हुआ, टीम फोनिक्स की सेकंड टीम फाइट लेती हुई इधर से, नूबेट्स फाइट लेते हुए एएसआर के तुकमैन ने प्ले 47 को नॉकआउट कर दिया, फिनिश ऑफ भी कर दिया एएसआर के तुकमैन ने। टीम एएसआर 3 मैन स्क्वाड के साथ जरूर बची हुई है अभी, बट एक प्लेयर उनका नॉकआउट पड़ा हुआ है ऑलरेडी। एएसआर के तुकमैन एक और प्लेयर नॉकआउट करते हुए कोरोना वीर को भी फिनिश ऑफ करते हुए, एएसआर के तुकमैन और स्ट्रेंज का ओपी गेम प्ले, इधर दोनों प्लेयर्स ने मिलकर फिनिश ऑफ कर दिया टीम नूबेट्स को। इधर 7 किल्स के साथ आगे बढ़ेगी है टीम एएसआर, अपने प्लेयर को स्काई को रिवाइव भी दे दिया है 3 मैन स्क्वाड के साथ 7 किल्स। टीम एएसआर भी एक अच्छे किल्स लिए हुए है, टीम सबसे पे फाइट हुई है, वो भी जल्दी जोन में रोटेशन डालेगी और फाइट स्टार्ट करेगी अपनी। टीम वैनम जल्दी से जोन में रोटेशन जरूर डालेगी, इधर 3 टीम्स मौजूद, यहाँ से निकलना बिना फाइट के निकलना काफ़ी मुश्किल। टीम टीएचएम, टीम किंग या टीम नंबर हमारी 1 राजस्थान जिसमें खेल रहे हैं, नेट्स पे नेट्स किए जा रहे हैं। टीम किंग पुश ऑफ करने के लिए बेताब, टीम टीएचएम पर जिस नया पोलियाना के अपार्टमेंट में फाइट होती हुई, टीएचएम के ऊपर पुश है, टीएचएम पूरा एक बनाए बैठी है, पूरा स्टाफ बनाई हुई बैठी है, कैंप करे बैठी है, टीम बनी जरूर आए इधर, 1 एचपी में किंग बनी, टीम बनी पर पूरा ध्यान, 1 प्लेयर नॉकआउट कर दिया, 2 प्लेयर नॉकआउट कर दिए, टीम बनी ने हिलअप कर लिया, टीम बनी नॉकआउट भी करते हुए एमबीटी टैप देते हुए अभी एमबीटी टैप कराते हुए नॉकआउट करते हुए ट्रैक ओपी चेकिंग बनी अभी पाएंगे, जहाँ ट्रैक लॉ ओपी फिनिश ऑफ करते हुए, लेकिन इधर एक प्लेयर फिनिश ऑफ हो गया है इनका, अरमान भी फिनिश ऑफ जरूर हुआ है, बट किंग हमजा का किल ले गया 6 किल होते हुए। ओपी गेम प्ले बाय ड्रैकलो ओपी, टोटल टीम किल्स 8 एंड ड्रैकलो ओपी 6, 8 किल्स के साथ आगे बढ़ी है टीम। टीम भांगी, जी हाँ टीम भांगी तो ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुकी थी, सॉरी टीम नंबर 1 यहाँ से निकल चुकी है धीरे धीरे, उनकी फाइट से इन्हें जोन मारने का मौका मिलता हुआ। एयर ड्रॉप नंबर 4 नॉर्मल ड्रॉप स्कूल के पास गिरता हुआ, गिरोजा एयर सप्रेसर एंड लेव रिवर्स और हेलमेट के साथ टीम नंबर 18 पहुंचेंगे जोन के एज पे बैठी हुई है। टीम नंबर 14 आई डोंट नो व्हाई अभी तक जोन के लिए नहीं निकली, कंपाउंड सोल कर रखे, जोन स्टार्ट होने के बाद जोन में निकले आगे टीम नंबर 14, अभी तो लूट कर रही है वो, जी हाँ व्हीकल पिक कर रही है, उन्होंने जोन के लिए निकल चुकी है। टीम नंबर 16 म्यूटेंट्स वन मुस्तकीर एंड डार्क राइडर 3 मैन स्क्वाड जोन के लिए निकल चुका है, वो भी जोन स्टार्ट हो चुका है हमारा। टीम दत्ता ऑलरेडी इन द जोन, टीम टीएचएम एक अच्छे किस के साथ 2 मैन स्क्वाड के साथ आएगी जोन में रोटेशन टीम टीएचएम का भी।
टीम नंबर 11 ट्रिनिटी जो कि एक अच्छी फाइट लेकर उधर एक टीम फिनिश ऑफ कर कर आई है। ट्रिनिटी की ब्लेज ने लिए हैं तीनों ही किल्स उस तीनों प्लेयर्स के उस टीम के। एक टीम ट्रिनिटी एक अच्छे कवर्स में रुकती है, स्क्वाड हाउस एंड एक कंपाउंड रोल करती हुई इधर। नेक्स्ट जोन काफ़ी फेवर करने वाला है इधर टीम ट्रिनिटी को, आई थिंक उनका जोन प्रेडिक्शन यही रहा होगा। टीम सोस आ चुकी है जोन में, अब फाइट्स जरूर लेगी टीम सोस। वैनम काफ़ी लेट निकली है जोन से, एयर ड्रॉप नंबर 5 फ्लेयर ड्रॉप मंगाते हुए टीम नंबर 18 पहुंचेंगी के बान हाउस में। MK14 एंड ओग विद लेवल 3 किट हेलमेट वेस्ट एंड गिली सूट। जी हाँ, बान हाउस में एडम डेलार की टीम मंगाते हुए फ्लेयर ड्रॉप, ये फ्लेयर ड्रॉप जल्दी ही पिक करेगी पूरी टीम। टीम वैनम जोन में रोटेशन डाल रही है, टीम वैनम की देखते हैं क्या टीम डार्क राइडर से फाइट हो जाएगी इधर से। टीम दत्ता जो जोन के लिए निकली है अगले जोन, आई थिंक आगे वाला जोन जोन प्रोटेक्शन करके गई है। टीम एमटी काफ़ी करीब पहुंच चुकी है टीम नंबर 6 के, 3v3 फाइट बाय टीम एमटी। एमटी डेट्रैक्स बोटोस की दैट टैक्टिक्स थ्री प्लेयर्स चाहते हुए उनके, एक नेट ऑलरेडी आ चुका है एमटी डेट्रैक्स पर। टी इधर दैट टैक्टिक्स को नोट आउट करता हुआ, एक प्लेयर उनका नॉकआउट हो चुका है। अपोनेंट के अंदर पुश करेगी टीम सोर्स भी इधर आ चुकी है थर्ड पार्टी के लिए। छमो का हुआ टेरा ने एक को ने डाला आई थिंक, यानी ये स्मोक डाला होगा उनके विजन ब्लॉक करने के लिए। जी हाँ, वही किया है आदित्य ने, बट उधर एक प्लेयर अपना प्लेयर उन्होंने रिवाइव दे दिया है। एमटी बोटोस की ने हिल अभी जल्दी देखने को मिलेगा वो। टीम नंबर 6 थोड़ा रोटेशन डाल दी टीम से टीम सोस जो कि थर्ड पार्टी की है। जी हाँ, टीम सोस जो कि थर्ड पार्टी की है इधर डीप चला दो नॉकआउट करने का मौका था, ड्रैगो गोवर नहीं कर पाए। टीम सोच इधर थर्ड पार्टी करती है पूरा। अब थोड़ा इतनी जल्दी नहीं करेगी दोनों टीम्स में पुश करने में। इधर इनकी फाइट टीम एमटी से चल रही थी, बट यहाँ तो काफ़ी टीम्स आती हुई देख रही हैं हमें। टीम 5 और टीम 6 और टीम 2 की चल रही थी। इधर वैनम के प्लेयर आ रहा, वैनम के साथ ही सोस के बर्थ को पिक ऑफ करता हुआ, वैनम के साथ ही M24 का फटका देता हुआ सोस के प्लेयर को। बट उधर टीम इधर से टीम ओके गुजर चुकी है DHM। टीम वैनम क्लोज इन करती हुई टीम सोस के ऊपर अपनी व्हीकल को आई थिंक सेव कर रहे हैं वैनम के सहजी, एक अच्छी सोच उनकी। टीम वैनम के प्लेयर की वैनम के फैजान मौजूद उनके साथ, वैनम के हंटर भी सामने होगी टीम सोस, उन्हीं के सामने है टीम नंबर 12 के टीम एमटी। एमटी के डिटेक्स ने आयन फ्लैश को नॉकआउट कर दिया है। टीम 6 पे इधर कुछ जा सकता है रेड एसिक्स एंड डिट्रैक्स और बोडोस्की का। जी हाँ, अभी भी बोडोस्की को शॉट्स दिए हैं, बट डिट्रैक्स यहाँ पे एक नेट को किए हैं, क्या नेट का डैमेज टीम नंबर 6 के ड्रैगो को पड़ने वाला है। अभी लेट हुआ है नेट, इधर पुश ऑफ देखने को जल्दी मिल सकता था हमें, बट जी हाँ रेड एसिक्स जा चुके हैं पूरा पुश ऑफ करने के लिए। आदित्य को उन्होंने शॉट कर लिया है, बट आदित्य उन्होंने शॉट करते हुए फिनिश ऑफ भी कर देंगे। टेट्रेक्स पहुँचे हैं अपने प्लेयर को टॉर पार देने के लिए, बट पीछे से एक और प्लेयर उनका आ चुका था, उन्हें भी नॉकआउट कर दिया गया। टेट्रेक्स बचे हुए अकेले, इधर टीम सोस ने पुश ऑफ कर दिया आई थिंक थर्ड पार्टी करती हुई। इधर टीम सोस क्लोजिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पे आए फ्लैश को कॉपी एम प्ले दिखाता हुआ ये प्लेयर, दो प्लेयर पुश ऑफ कर चुका है, बढ़िया नॉकआउट करा था, बट सोस के जीत लिए थर्ड पार्टी में ये किल। टीम नंबर 6 भी फिनिश ऑफ होते हुए सोस पर्थ के नेट से ओपी नेट वाले टीम सोस के पर्थ, टीम सोस के पर्थ 2 किल्स लेते हुए टीम सोस 3 किल्स के साथ। टीम THM जो कि रोजोक में ही बैठी हुई है 2-man स्क्वाड के साथ। टीम नंबर 21 ये भी जोन में रोटेशन डाल रही है पूरे 4 प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ी है, बट बॉल भी ओपी यहाँ पर अकेले हैं इस टीम के, आई डोंट नो व्हाई वे अकेले हैं अपनी टीम के लिए। पूरा जोन शिफ्ट होता हुआ रोजोक एंड स्कूल के कंपाउंड में काफ़ी फाइट देखने को मिलेंगी अपार्टमेंट में, जहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है टीम दत्ता। टीम दत्ता के पास आई है टीम एटम, यहाँ अपार्टमेंट्स की फाइट एक ओपी फाइट्स देखने को मिलती हैं हमें। काफ़ी मेन कंपाउंड होल्ड कर रखा है टीम दत्ता ने, एटम भी यहीं पर आई है। टीम नंबर 5 ऑलरेडी यहाँ से थोड़ी दूर टीम नंबर 5 फाइट ले रही है अभी, बाकी टीम ASR जोन में इस डालेगी रोटेशन जो कि डाल रही है। टीम ट्रिनिटी भी आ चुकी है जोन के लिए, टीम वैनम एक अच्छा कवर लिए बैठी हुई है।
इधर टीम सोस एंड टीम टीएचए मैड हुई है जो उनमें टीम ट्रिनिटी के प्लेयर्स, टीम ट्रिनिटी की फाइट हो सकती है टीम नंबर 21 आई एम ड्रैको की टीम से, क्योंकि टीम ट्रिनिटी उधर से जो उनमें रोटेशन डाल रही है उनके सामने होगी टीम नंबर 21 की प्लेयर्स। जी हाँ, उनको उन्होंने स्प्रे देने की कोशिश करके स्क्वाड आउट कर रखा है रूल्स का इन्होंने टीम नंबर 21 के प्लेयर्स ने। या अपना उन्होंने लोकेशन रिवील किया है टीम नंबर 21 के प्लेयर्स ने, बट पीछे से टीम वैनम के प्लेयर्स शॉट्स देते हुए इधर से आई थिंक, जी हाँ वैनम की फैजान ने शॉट दिया, सॉरी वैनम के साइज ने एम डोर का शॉट देने की कोशिश कर दी। टीम नंबर 16 के मोडन सोहन पूरा ओपन में ड्रॉप लूटते हुए ड्रॉप लूट के फुल बैक भी कर रहे हैं, आई थिंक टीम वैनम ने उन्हें स्पोर्ट नहीं किया है वरना उधर शॉट जरूर देने की कोशिश करते। या वैनम के हंडर स्पोर्ट कर चुके हैं स्कारल विद 4x का स्प्रे देने की कोशिश, बट उनके स्प्रे से अब निकल जाएंगे। टीम एसआर भी इधर ही आ रही है धीरे धीरे करके रूइंस में कंपाउंड होल्ड करती हुई वो भी विदाउट व्हीकल। टीम ट्रिनिटी ने एक अच्छा कंपाउंड एक अच्छा स्क्वाड हाउस होल्ड कर रखा है, जल्दी हमें जो नंबर 4 देखने को मिलेगा। 12 टीम्स 39 प्लेयर्स, क्या यहाँ से कौन टीम टॉम सी टीम चिकन डिनर निकालेगी। टीम 14 वैनम ड्रैगो एएसआर ट्रिनिटी सोस टीएचएम एटम दत्ता या कैप्टन हाउस, लेट्स सी हु गेट अ चिकन डिनर इन दिस मैच। या जो नंबर 4 मच चुका है पूरा फेवर, बहुत ओपी फेवर किया टीम ट्रिनिटी को सोस को, एक अच्छे कंपाउंड स्कूल का मेन एरिया कम अभी जोन में है, पूरा रोजोक जोन में है एंड पूरा रुइंस जोन में है, रुइंस का वाटर पार्क। टीम फोर्टीन आउट ऑफ द जोन है लेकिन वो जोन के एज पे ही खेल रही है, जोन स्टार्ट होगा था अभी जोन में रोटेशन डालेगी टीम वैनम एक अच्छी कंपाउंड होल्ड करने के लिए, जोन के लिए निकल चुकी है टीम वैनम। टीम कैप्टन अनस भी ऑलरेडी जोन में रोटेशन डाल रही है, टीम 16 के प्लेयर्स भी एक अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत जोन इनसे इधर उधर है बट एक सही कंपाउंड है वो जोन में ही माने जाएंगे, जोन में पहुंच जाएंगे वो इजली। टीम नंबर 19 के कैप्टन अनस आते हुए, टीम नंबर 19 के कैप्टन अनस सोलो बचे हुए, थ्री प्लेयर्स उनके फिनिश हो चुके हैं। जी हाँ, वो जोन के लिए रोटेशन डाल रहे हैं, जोन में रोटेशन डालते हुए टीम वैनम की फाइट हो सकती है टीम आई एम ड्रैको की फाइट के प्लेयर्स से। एयर ड्रॉप नंबर 6 जो कि गिरता हुआ टीएचएम की गोदी में, एयर ड्रॉप नंबर 7 की रोजा देखे जाएगा लेवल 3 वेस्ट के साथ, बट टीम सोस में आ पाओगी इतना आसान नहीं होगा। सोस के प्लेयर ने ट्रिनिटी के प्लेयर्स पर छोड़ देने की कोशिश की थी, या टीएचएम के प्लेयर्स को भी सपोर्ट कर चुके हैं सोस, डबल फाइट लेती हुई इधर ड्रैकलो पीक सेफली बैठे हुए हैं, क्लोज इनकाउंटर काफ़ी अच्छा है ड्रैकलो पीक का। एम बी टैप्स जो कि कनाडियन लिए बैठे हुए हैं, टीम सोस पे उन्होंने देने की शॉट को निश्चित थी, बस सोस के डोर भी आज चला रहे हैं अच्छे हैं, एक का 98 सोस के एग्री पे एम के 14 है। यह ड्रॉप गिरता हुआ टीम टी एच एम एंड के टी एम टी एच एम के काफ़ी करीब है, मैगनम ट्रिनिटी के फ्रेम से फाइट होती है, मैगनम प्लेयर थी ट्रिनिटी के एक प्लेयर नॉकआउट किया है जरूर, ट्रिनिटी का जैक नॉकआउट हुए हैं इधर, टीम एटम एक नेट को किया है, क्या ट्रिनिटी के ब्लेज को नॉकआउट कर सकता है। जी हाँ, मैगनम का एक ओपी ने ट्रिनिटी के ब्लेज को नॉकआउट किया, जैक को फिनिश ऑफ किया, टीम ट्रिनिटी पे पुश ऑफ जाएगा इधर से। फिलहाल तो टीम ट्रिनिटी के प्लेयर रिवाइव दे रहे हैं बट नेट में नेड आए जा रहे हैं, तो रिवाइव छोड़ दिया नीचे की ओर आए, नीचे भी नेड आया डाकू सोलो सर्वाइवल, टीम एटम ने इन्हें नेट से ही फिनिश ऑफ कर नॉक एंड नॉक नॉक फिनिश नॉक फिनिश कर दिया। वैनम के साथ ही मुस्तकिल को नॉकआउट करते हुए एम टू फोर से 1v4 है अभी, एफर डाकू का नीचे जंप किया है एक ओवर से मेड आउट होता है इधर, टीम एटम पूरी है इधर अपने प्लेयर को रिवाइव देते तो थोड़ा बेहतर देते, टीम एटम ओपी गेम प्ले बाय मैग्नम सोब्ध काफ़ी अच्छे किल्स निकाले नेट से इधर से, 3 किल्स मैग्नम निकाले हैं मैग्नम सुबो ने, मैग्नम सुबो ने सोच के एग्री को भी दे दिया इधर एक फट का 98 का बोलते हैं। मैरम के फैजान मोडन सोहन को फिनिश ऑफ करते हुए टीम वैनम आई थिंक पुश ऑफ कर दिया था उधर टीम सोहन टीम मोटेंट पे। जी हाँ, टीम वैनम ने एक ही सॉरी एक ही खेल लिया टीम नंबर 14 पर, क्लोजिंग करते हुए टीम नंबर 14 इधर से आई एम स्पाइडर ड्रैको एंड 14 की पूरी ओपन में आई थी पूरी फिनिश ऑफ कर दी वैनम सेजी को मिलेंगे सारे किल्स, क्योंकि लास्ट गोली जो लगी कार में वो वैनम सेजी की लगी, तो इधर काफ़ी अच्छे किल्स मिले वैनम के सेजी को, 6 किल्स मिले हैं वैनम के सेजी का अच्छा स्प्रे।
ओपन में वेनम के साथ जिन्होंने स्पोर्ट कर लिया है, या फिनिश ऑफ करते हुए वेनम के साथ ही कैप्टन अनुस को जो सोलो बचे हुए थे ओपन में नोक पड़े हुए थे। टीम नंबर 21 के प्लेयर्स इधर फाइट लेते हुए रेक्स नीरज वगैरह रैम्बो को नॉकआउट करते हुए, रैम्बो ने नॉकआउट किया है सॉरी एक प्लेयर इधर। टीम वेनम आउट ऑफ द जोन, काफ़ी टीम्स जोन बन चुका है, कोई भी टीम जोन में नहीं है। टीम एटम के प्लेयर्स जरूर जोन में पहुंचे हैं। इधर टीम ए एस आर फाइट लेते हुए सब इसने बॉल वी ओपी को नॉकआउट कर दिया है। बॉल वी ओपी को फिनिश ऑफ करने की कोशिश ए एस आर की स्टाइन ने बॉल वी ओपी को फिनिश ऑफ कर दिया है। एम ड्रैगन ए एस आर की स्टाइन को जो नॉकआउट किया है। टीम नंबर 21 में टीम नंबर 21 स्टाइन को फिनिश ऑफ कर दिया है एम ड्रैगन ने आउट ऑफ द जोन फाइट। इधर पुश ऑफ जरूर देखने को मिलेगा जल्दी, एक नेट को किया है इधर से कैच, नेट का डैमेज पड़ेगा ए एस आर के तुकमैन के जी नहीं, कोई डैमेज नहीं। डार्क स्पिन कैम पर इशू को नॉकआउट कर दिया, आइटिंग टीम दर दत्ता पर पुश ऑफ जाता हुआ इधर से कैम पर इशू ने एक क्लियर प्लेयर फिनिश ऑफ कर दिया है। टीम दत्ता ने किया था उसको टीम नंबर 1 के प्लेयर से अंडर दत्ता जी फ्री फायर देते हुए फ्री फायर में प्लेयर नॉकआउट किया है उन्होंने विकास, फिनिश ऑफ भी कर दिया उनके टीम मेट्स ने कैम पर इशू ने। डार्क स्कन स्टन को फिनिश ऑफ करते हुए रैम्बो यूजी से टीम वेनम की सैजी डार्क के राइडर को नॉकआउट करा है। इधर से ब्लैक रोज ने एग्री को नॉकआउट किया है। टीम दत्ता के पास भी है टीम वेनम, इधर सोस के डोर हुए एटम के दिलदार को नॉकआउट करते हुए टीम वेनम को पड़ती हुई पीछे से टीम टीएचएम के प्लेयर की सोस की आती है एटम दिलदार को फिनिश ऑफ किया है। टीम सोस ने इधर फाइट की है, टीम सोस फिनिश हो गई है, थर्ड पार्टी में टीम सोस फिनिश हो गई, टीम सोस के प्लेयर्स को फिनिश ऑफ किया इधर टीम एटम के प्लेयर्स ने। प्लेजन से डार्क के प्लेयर्स फिनिश ऑफ होते हुए वेनम के सैजी ने एक और प्लेयर टीम दत्ता का नॉकआउट किया है। एम ड्रैगन ने टीम एसआर के प्लेयर फिनिश ऑफ कर दिए। टीम नंबर 21 ओपी गेम प्ले, एम ड्रैगन ने भी ओपी गेम प्ले दिखाया बट वो नॉकआउट हो गया, फिनिश ऑफ भी हो गया प्लेजन से, रैम्बो फिनिश हो गया प्लेजन से। यहाँ से चार टीमें 9 प्लेयर्स बचे हुए हैं, सब प्लेजन का खेल दिखाते हुए इधर प्लेजन ओपी गेम प्ले दिखाता हुआ अपना एक और प्लेयर फिनिश होता हुआ दत्ता जी। 4 टीम्स 9 प्लेयर्स 2v1v2v3v3 टीम एटम टीम टीएचएम टीम ड्रैको या टीम वेनम काफी टाइम बाद लो आई है ड्रैको पे स्प्रे पड़ता हुआ वेनम के साथ ही M4v6 है ओपी गेम प्ले चलाता हुआ ये ड्रैकोला ओपी ने वेनम के हंटर को नॉकआउट किया है। वेनम के साथ ही जरूर उसको स्प्रे टैग देने की कोशिश की है लेकिन वेनम फिलहाल रिवाइव देते हुए हंटर को अपने प्लेयर को वेनम के साथ ही इधर ओपी गेम प्ले दिखाया है। 9 किल्स लिए हैं इसने, 16 किल्स पूरे टीम के। वेनम के साथ ही ने M24 निकाल ली है, क्या M24 का फटका देखने को मिलेगा टीएचएम के किसी प्लेयर पे। और टीम एटम उधर क्लोजिंग कर चुकी है टीम टीएचएम से, टीम टीएचएम के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है दोनों साइड से पड़ने वाली है। एटम की मैग्नम सू को क्लोजिंग करते हुए नेट को किया है उन्होंने, क्या ट्रैक लॉपी को ये नेट पड़ेगा जी हाँ, काफ़ी करीब गिरा है, काफ़ी लोग अच्छी पड़ा गया है, नॉक आउट भी होगा एस बी आर एम जी ने। एम बी डैम जी सोलो बचा हुआ अगले टीम के लिए, एस बी आर एम जी को डैम गिरा है बट पूरा फ्लैंग जो करके आया है इधर प्लेयर, क्या वो इधर नॉकआउट कर पाएगा एस बी आर एम जी को। मोली आया है बस उसको कोई डैमेज नहीं, एक नेट फिनिश ऑफ करता हुआ ब्लैक रोज का नेट, टीम वेनम उधर थर्ड पार्टी करती ब्लैक रोज का नेट फिनिश ऑफ किया है। एम ड्रैको सोलो बचा हुआ है एंड 3 मैन स्क्वाड बाय टीएच सॉरी एटम। टीम वेनम इधर से वो पी एम प्ले निकालती हुई काफ़ी अच्छे किल्स ले एकदम पूरा ओपन में फड़ी है विदाउट व्हीकल, कितना आसानी होगा सर्वाइव करना टीम वेनम के सामने। क्विंटे वन टेम देते हुए वेनम के हंटर, वेनम के सहजी ब्लैक रोज को नॉकआउट करते हुए वेनम के सहजी एम फोर ट्रॉफी चलाते हुए फोर प्लेयर वेनम के हंटर नॉकआउट करते हुए एस बी आर एम जी ब्लैक रोज अकेला बचे हुए हैं, ट्रैको अकेला बचे हुए हैं, दोनों 1v1 बचे हुए हैं टीम वेनम के सामने। या वेनम की फिजान एमओ देते हुए अपने प्लेयर को मदद करते हुए वेनम के हंटर का फ्लो अच्छे हैं जी। वेनम के सहजी का एक ओपी नेड गिरता हुआ जो कि फिनिश ऑफ करता हुआ उधर से ड्रैको को, सामने बची एक टीम जिसके 3-2 प्लेयर नॉक पड़े हैं, बचा हुआ मैगनम सूबो जो कि रिवाइव दे रहा है बट वेनम के हंटर ने एक और प्लेयर फिनिश ऑफ कर दिया। सहजी के 10 किल्स होते हुए वेनम के हंटर के 4 फिजान के 4 18 किल्स होते हुए पूरी टीम के, आज थोड़ा वेनम के साथ जरूर अर्ली एग्जिट लिया था उधर ही वाइट दिया था ब्लैक रोज को वेनम के हंटर ने उन्होंने बल्टे बल्टे फिनिश ऑफ कर दिया। वेनम गेम सुबह को नॉकआउट करते हुए डी पी के वेनम की फिजान ओपी गेम प्ले दिखाते हुए हैं बट टी वेनम आफ्टर लॉन्ग टाइम वापस की थी और यहाँ से एक ओपी गेम प्ले निकाला 20 किल्स के साथ चिकन डिनर किया है टीम वेनम ने। हंटर ने 6 फिजान ने 4 और सैदी ने 10। टीम एटम सेकेंड पोजिशन, अच्छा गेम प्ले 11 किल्स। टीम एम ड्रैको 3 किल्स
पोजीशन, टीम THM 8 किल्स फोर्थ पोजीशन, टीम दत्ता 3 किल्स फिफ्थ पोजीशन। बाकी हमारा स्टेट गेम का ही रहेगा।